समय शंकर जी महाराज की गुणोत्तर प्रेता संत का समान महाराज प्रवत जनजन के संत कर वक्ता मुझे परम पूज्य ऋषि प्रभास शंकर जी महाराज की मुझे परम पूज्य ऋषि दिलीप शंकर जी महाराज की मुझे परम पूज्य संतान शंकर जी महाराज की देवी अहिल्या की नगरी मानका किसान इंदौर के अभय प्रसाद परिसर से टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें पुष्पपुर प्रचार का आज हर्षो उल्लास के साथ परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण शंकर जी महाराज का सत्संग 37वां चातुर्मास स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और आइए चातुर्मास स्थापना के पावन अवसर पर गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अमरि श्री संतान शंकर जी महाराज के 10वें मुनि दीक्षा महामहोत्सव के पावन अवसर पर हम और आप टीवी चैनल के बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें उसके पूर्व पारस चैनल जिनवाड़ी चैनल प्रमाणिक आदि आज चैनल के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष में जो जन सैलाब पूरा भारतवर्ष का यहाँ उपस्थित है उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनि श्री के शंख में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। कल हाथ जोड़ लें श्री परमाना में बोलेंगे हे मुनिवर आवाज कमा रही है हे मुनिवर नमस्तो हे मुनिवर नमस्तो हे मुनिवर नमस्तो। आइए हमारा शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें परम पूज्य ऋषि प्रमाण शंकर जी महाराज का हमने 37वां चातुर्मास स्थापना का कार्यक्रम संपन्न किया। इस प्रसंग पर पारस मधु जैन आगरा परिवार इन्होंने दयोदय परिवार के लिए 37 दानी भूषा देने की घोषणा की है जो जोरदार सम्मान करें। आइए शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें उसके पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आदरणीय अशोक भैया जी को भैया और आगे के कार्यक्रम को व्यवस्थित संचालित करते हुए ये माइक मुनिवर संतान सागर तक पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त करें। आज पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण शंकर जी महाराज का वर्षायोग मंगल कलश स्थापना का मांगलिक कार्यक्रम दोपहर की बेला में सानंद संपन्न हुआ और इंदौर के सुधीर श्रावकों की जो भावनाएं थी इंदौर के सुधीर श्रावकों के अंदर जो भक्ति का उल्लास का आनंद था आज इंदौर वासियों ने एक नया इतिहास लिखा है अपनी उपस्थिति यहां दर्ज करा करके और वर्षायोग के कार्यक्रम में अलौकिक अद्भुत अद्वितीय लोगों का ऐसा कहना था कि ऐसा कार्यक्रम हमने आज तक अभी तक इंदौर में कभी भी नहीं देखा है। आज खुद मुनिवर्षी प्रमाण शंकर जी महाराज का मंगल वर्षायोग का मांगलिक कार्यक्रम इंदौर के लोगों के लिए साक्षी बना जब अनेक अनेक आयोजन हमल किए गए और उन सबको आपने देखा है। आइएगा शांतकालीन संता समाधान के इस सत्र में हम चले हैं और हम पूज्यवर मुनि श्री संतान शंकर जी महाराज जी के पावन चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वे संता समाधान के इस सत्र को आगे बढ़ाए। नमोस्तु महाराजी नमोस्तु महाराजी नमोस्तु महाराजी। वीरेंद्र जी जैन वीरू भैया कांडला अपना प्रश्न कर रहे हैं और उनके साथ में नीरज जी अजमेरा रहेंगे साथ में फिर उसके बाद में दिनेश जी रेखा जी मुंबई जो शिरोमणि संरक्षक और उनके साथ में नितिन दीपा जैन। होने वाला है तेरा चातुर्मास कलश ले हम आए तेरे पास यह पर्व जिनागम का है बड़ा खास ज्ञान का फैलेगा सुप्रकाश युग आज नया एक आ गया चहु और है आनंद छा गया जिन धर्म का तो एक बार फिर झंडा नभ में लहरा गया जागा है जगत का भा...
भाग फिर मिट जाए जगत से, मोहति मिर गुरुवर तेरे शुभ चरणों में होगी सुदूर चिंता फिकिर, मंगल होगा सबका है ये विश्वास। कलस ले हमारे एक बार जोरदार करतल ध्वनि शरीर का स्वागत कर दीजिए और प्रश्नकर्ता को आगे बढ़ा लीजिए। नहीं महाराज श्री, एक छोटा सा प्रश्न। ओम इधर दीजिए माइक दीजिए। इनके पास सतना वाले तैयार रहे। मैं केवल यही कहना चाहूंगा, इंदौर को छोटा मुंबई कहा जाता है, आपके चरण बड़े मुंबई में जल्द ही पड़े ऐसी हमारी कामना है। मेरा क्वेश्चन भाई है, हाँ, बोलिए। कहते हैं खुश नसीब तो सभी लोग होते हैं, पर खुश नसीब वो नहीं जो कि अपने नसीब से खुश है, तो ऐसा क्या करे कि अपने नसीब में हम लोग खुश हो जाए। बहुत सुंदर। खुश नसीब तो बहुत लोग होते हैं, पर खुश नसीब वे नहीं जो अपने नसीब से खुश है। दरअसल बहुत कम लोग हैं जो अपने नसीब से खुश होते हैं, सब तो अपने नसीब का रोना रोते रहते हैं। और आप अपने नसीब से खुश तभी हो सकते हैं जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी। यदि हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो जीवन में सब कुछ सकारात्मक घटित होगा और हम हर पल अपने आप को खुश नसीब महसूस कर सकें। राजकुमार जी डुल्ली शिरोमणि संरक्षक गुणायतन दिनेश भैया जी दिन्नू सतना साथ में रहेंगे। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। मारिका ऋजुमती माता जी का भी नमोस्तु बोल रहे हैं महाराज जी। महाराज जी, जहाँ सूरज की किरण हो वहाँ प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहाँ परिवार होता है। तो महाराज जी, हम सामाजिक समरसता में किस भाषा का प्रयोग करें, कृपया हमारी संख्या का समाधान करें। देखिए, आपने जो कहा कि प्रेम जहाँ होता है वहाँ परिवार होता है, मैं चार सूत्र देना चाहता हूँ सामाजिक या पारिवारिक समरसता। सहयोग समादर, सहयोग समादर और समन्वय। सहयोग समादर समन्वय और साथ, यदि ये चार और सहिष्णुता, यदि ये चार बातें हमारे जीवन में जुड़ जाए तो हम घर परिवार या समाज सब में एक सूत्रता के साथ जी सकते हैं। व्याख्या आज नहीं करूंगा, प्रतीक्षा कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महावीर जी छाबड़ा कोलकाता, और उसके बाद में तैयार रहेंगे राष्ट्रीय दिगंबजन महासंघ जबलपुर। ओम देव महावीर। तो महाराज श्री, गुरु और शिष्य का संबंध कैसा रहना चाहिए? बहुत सुंदर। गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए? सूरज और सूरजमुखी के जैसा। क्या बोल रहा हूँ? सूरज और सूरजमुखी के जैसा। सूरज के उगने पर सूरजमुखी खिल जाता है, और जिधर जिधर सूरज जाता है अपना मुंह घुमाते रहता है। उन्हीं जैसी चरिया में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नमस्ते। राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर इकाई अपना प्रश्न रख रही है। माइक पहुंचाइए वहां। मोनू काला जी अपने समस्त परिवार के साथ में तैयार रहेंगे। मुनि श्री के चरणों में राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर का कोटि कोटि नमन। सभी क्षुल्लक महर्षियों को इच्छा में महर्षि परायों को तो अपने बोलो बोलो। मुनि श्री, परायों को तो अपना बनाना वो सबसे आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखने की कला कैसे जागृत करें? परायों को अपना बनाना आसान होता, अपनों को अपना बनाए रखने की कला कैसे जागृत करें? जो फार्मूला परायों को अपना बनाने में रखते हैं वही अपनों को अपना बनाने के लिए ज़रूरत है। परायों को अपना हम कैसे बनाते हैं? जब हम उनमें अपनत्व जोड़ते हैं। अपनों के बीच जब हम अपनत्व का एहसास करने लगेंगे वे अपने आप अपने बन जाएंगे। अपने अपने आप बनते हैं, बनाए नहीं जाते। काला परिवार जयपुर से एक प्रश्न पूरे ग्रुप के लिए आज एक ही सवाल सुरक्षित है। एक बार इनका जोरदार करता ध्वनि कर दीजिए, आगे बढ़ाइए। प्रश्न क्षमा क्षमा जैन प्रश्न कर रहे हैं। हाँ मोनू जी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुनील जी रेखा जी जैन CFO। सुनील रेखा जी जैन CFO गुणायतन। और सवाल बहुत सीमित उत्तरों में सलटेंगे क्योंकि आज का कार्यक्रम बहुत टाइट है। चलिए आगे। सुनील जी रेखा जी जैन अपना प्रश्न रखें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रेमचंद जी पाटनी एलोरा अपनी पूरी टीम के साथ में प्रश्न करेंगी, जिनके प्रश्न बहुत सेलेक्टेड होते हैं।
ऐसे जय श्री जयचंद जी पाटनी आज यहाँ पर उपस्थित है। महाराज जी को हमेशा वो प्रश्न पसंद आते हैं, प्रसन्नता शांति और अच्छा स्वास्थ्य है, इन तीनों के बिना जीवन खाली खाली सा लगता है। लेकिन महाराज श्री किस विद्यालय में इन तीनों को पाने की कला सिखाई जाती है? प्रसन्नता शांति और स्वास्थ्य के बिना जीवन खाली खाली सा होता है, पर इन्हें पाने की कला किस विश्वविद्यालय में सिखाई जाती है? आचार्य विद्यासागर विश्वविद्यालय में सिखाई जाती है और हम लोग उसके प्रोफेसर। आप आइए, बहुत सारी फैकल्टीज हैं, आप आएंगे आनंद से भर जाएंगे। चलिए, एलोरा के गुरुकुल वाले भी गुरुकुल से भी हैं और साथ में ही डॉक्टर पाटनी जी जो गुरुकुल के अध्यक्ष हैं और उसके बाद में महिला मंडल भी है। लेकिन प्रश्न एक ही करेंगे, आप लोग जोरदार तालियों से उनका सम्मान कर दें और उसके बाद में तैयार रहिए। डॉक्टर के एम गंडवाल पूना। लाखों की शंकाओं को जिसने तारा है, ऐसे तारनहार के चरणों में, ऐसे तारनहार के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। एलोरा के धरा पर जिसने धर्म की लहर फिर से एक बार लहराई, ऐसे मम आराध्य गुरुवर के चरणों में सकल जैन समाज एलोरा गुरुकुल के 150 बच्चे और साथ में नवीन जी पाटनी, इनकी ओर से त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मैं एक माँ हूँ, साथ में मैं एक शिक्षिका हूँ। लगभग 400 से 500 लड़कियाँ रोज मेरे साथ रहती हैं। जब लड़कियों को देखती हूँ तो लड़कियाँ आज में जीना चाहती हैं, वह आज के अनुरूप बस उन्हें प्रेजेंट दिखता है, न पास्ट दिखता है न फ्यूचर दिखता है। वह सब कुछ करने को तैयार होती हैं पर वो आज में जीना चाहती हैं। वो टिट फॉर टैट ऐसी वृत्ति उनकी होती है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि इन बेटियों में ममता, प्रेम, लगाव, अपनापन कैसे जुड़े और हम क्या करें कि हर बेटी में प्रेम, ममता, लगाव, अपनापन रहे? शंका का समाधान करें। बहुत अच्छी बात है, आपके सवाल का उत्तर मैं दूंगा, पर मैं देख रहा हूँ आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल थावरचंद जी गहलोत यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरे पास पूर्व में भी आए हैं पर बैठे अभी बुलाएंगे, गहलोत साहब बुलाएंगे, पूर्व में भी आए हैं लेकिन राज्यपाल बनने के बाद वो प्रथम बार आए हैं और ये उनका पुराना अनुराग उन्हें यहाँ तक खींच लाया है। एक बार जोरदार अभिनंदन करें। और इसके बाद, इस प्रश्न के उत्तर के बाद, मैं पूरे के पूरे कार्यक्रम को दूसरी दिशा में मोड़ूंगा क्योंकि इनका कार्यक्रम बहुत टाइट है और उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला है, तो इसलिए मैं चाहूँगा इसके बाद, इस प्रश्न के उत्तर के बाद पूरा कार्यक्रम इस दिशा में मोड़ दिया जाए। आपने जो बात कही आज की बेटियों के संदर्भ में, ये समस्या बेटियों के साथ नहीं, ये समस्या बेटियों के साथ साथ बेटों के साथ भी है। युवक युवती सबकी एक नई सोच बन रही है, वह आज में जीने की, कल को किसने देखा, वो हमारे मूलभूत जीवन मूल्यों की घोर उपेक्षा करने लगे हैं और इसकी मूलभूत वजह को हमें समझना चाहिए। वह वजह है पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण। आज पूरी सोच वेस्टर्न होते जा रही है। हाँ, ललवानी जी को भी ले जाइए, वहीं बैठाइए हमारे बीच। हाँ, आज हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद माननीय ललवानी जी यहाँ आए हुए हैं, शंकर जी ललवानी भी यहाँ आए हैं, बड़े अनुरागी हैं, उनका भी आप लोग स्वागत करें, स्थान में बिठाएं। तो मैं कह रहा था कि ये जो सोच है ये पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण का कुपरिणाम है और ऐसी सोच बनाने के दो मूल कारक है। एक है आज की शिक्षा पद्धति और दूसरा है वर्तमान का मीडिया। इन दोनों ने
हमारी सोच को बुरी तरह प्रभावित किया है, विकृत किया है। इससे हमारे मूलभूत संस्कार और सांस्कृतिक सरोकार दोनों छिन्न भिन्न हो रहे हैं। हमें चाहिए कि आज की शिक्षा में हम जीवन के मूल तत्व को लोगों के हृदय में घटित करें, उनमें जागृति हो और मीडिया के माध्यम से भी हम ऐसा तत्व परोसने की कोशिश करें जिससे कि उन्हें जीवन की सही समझ हो। भारत की संस्कृति में शिक्षा का मूल उद्देश्य जीवन को संभालने का था। हमारे यहाँ शिक्षा का अर्थ था सीख, और आज शिक्षा का अर्थ हो गया एजुकेशन। हम केवल जानकारियाँ हासिल करना हमारा उद्देश्य हो गया, जिसका ध्येय है लर्निंग एंड अर्निंग। ऐसी सोच हमें बिल्कुल भौतिकतावादी बनाती है, और आज के उपभोक्तावादी दौर में उसे और ज़्यादा बल मिलता है करेला और नीम चढ़े जैसी बात की तरह। लेकिन अगर हम भारत के मूल तत्वों को आत्मसात करें और ऐसे बच्चे बच्चियों के अंदर आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट करने में समर्थ हो जाएं, तो फिर कहीं कोई कठिनाई नहीं हो सकती। हम उनके भीतर वह अध्यात्म जगाएं। मुझे प्रसन्नता है कि आप एक ऐसी शिक्षिका हो जो बच्चों के भविष्य के प्रति गंभीर हैं। उन्हें आप अपने जीवन से कुछ ऐसा पाठ दें जो उनके जीवन को बेहतर बना सके। अब आगे कार्यवाही। और सारे प्रश्न भी यहाँ पर अपन रखते हैं, और पहले जो ऑडिटर कार्यक्रम है वो अभय भैया शुरू करते हैं। और आइए हमारे बीच में हमारे श्री थावरचंद जी गहलोत, पूर्व मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बीजेपी की सरकार में 2 बार केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में बीजेपी की नेता रहे। आप वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं। मैं सम्मान सहित मंच पर आमंत्रित करूंगा विहार परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें, और आप जोरदार ताली बजाकर मैं निवेदन करना चाहूंगा मंच में उनके अलावा कोई भी ना ऐसी व्यवस्था कर ले। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे देवी अहिल्या की नगरी मालवा किसान इंदौर के लोकप्रिय सांसद शंकर जी लालवानी बेबिया परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुशील कुमार जी अजमेरा, उद्योगपति अजमेरा स्टील प्राइवेट लिमिटेड रतलाम, ये आएंगे परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और आप जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और आइए परम पूज मुनिवर अपने हाथों से थावर सिंह गहलोत जी के लिए साहित्य प्रदान कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे इंदौर शहर के लोकप्रिय सांसद जो लगातार 2 बार सांसद बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वोट से अगर कोई जीता है तो शंकर लालवानी जी। महाराज जी को इंदौर लाने में इसी क्रम में भूमिका निभाए। श्रीमान सुशील कुमार जी अजमेरा, उद्योगपति अजमेरा स्टील प्राइवेट लिमिटेड रतलाम, ये भी आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मैं धर्म प्रभावना समिति की ओर से हमारे थावरचंद जी गहलोत जो कि वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं, उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे इस चातुर्मास के मुख्य यजमान मनोज जी, मुकेश जी पाटोदी हमारे साथ में आमंत्रित करेंगे। वही हमारे महोत्सव के अध्यक्ष श्रीमान नवीन जी गोदा, और धर्म प्रभाव समिति के अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी धोती, ये आएंगे हमारे सम्मानी थावर सिंह गहलोत का तिलक बंधन मुकुट आदि पहना के सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा आप जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और अतुल जी लाधानी को आमंत्रित करूंगा गुणायतन परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। महामहिम राज्यपाल जो कि वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं, थावरचंद जी गहलोत, पूर्व में मध्य प्रदेश सरकार मंत्री,
लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बीजेपी की सरकार में दो बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा में बीजेपी के नेता भी रहे हैं, आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे महामहिम राज्यपाल का आप जोरदार तालियों का सम्मान करें। और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे अतुल जी लाधानी, वे गुणायतन परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह देकर गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। अतुल जी पहुंचे और आइए, इसी क्रम में जिन्होंने इंदौर की एक पहचान बनाई है अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, अभी लंदन की संसद में इनका सम्मान हुआ था, इस भाव को लेके पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले अगर कोई शख्स हैं तो इंदौर के सांसद श्रीमान शंकर जी लालवानी, जोरदार तालियों का सम्मान करें। देखिए, राज्यपाल महोदय ने अपनी भावना और विनम्रता प्रकट करते हुए कहा कि कार्यक्रम समाप्त होने तक मैं यही रहूंगा। एक बार जोरदार उनकी नम्रता का अभिनंदन करें। और आइए इसी क्रम में हमारे इंदौर के यशस्वी सांसद, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से पूरे शहर में पहचान बनाई है और लंदन की संसद में इनका इस भाव के साथ सम्मान हुआ था कि पूरे विश्व में अगर कोई ज्यादा वोट से जीतने वाला है तो शंकर लालवानी जी, और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे रितेश जी पाटनी, नवीन जी गोदा और अशोक जी दोषी। और आइए हमारे रितेश जी पाटनी, जोरदार ताली बजाकर हमारे यशस्वी सांसद जिन्होंने दिलीप पाटनी जी को आमंत्रित करूंगा हमारे शंकर जी लालवानी का सम्मान करने के लिए, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से पूरे विश्व में एक इंदौर की पहचान बनाई है और पूरे विश्व में अगर ज्यादा वोटों से जीतने वाला अगर कोई व्यक्तित्व है तो शंकर जी लालवानी। और प्रतीक चिन्ह देने के लिए आमंत्रित करूंगा मनोज जी बाकलीवाल और धर्मेंद्र जी, ये आएंगे हमारे सम्मानी शंकर जी लालवानी को। ओम आ रहे, आ जा, नहीं है, आइए आ जाएं मनोज जी बाकलीवाल और धर्मेंद्र जी, आइए आइए ना हमारे सम्मानी शंकर जी लालवानी, यशस्वी सांसद जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से पूरे विश्व में इंदौर की पहचान बनाई है। और महामंत्री धर्म प्रवाहना समिति भाई हर्ष जी आए हमारे सम्मानी शंकर जी लालवानी का सम्मान करने के लिए। और हर्ष जी हमारे गुणायतन के परिवार की ओर से गुणायतन प्रतीक चिन्ह देने का। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे अजमेरा स्टील प्राइवेट लिमिटेड रतलाम के उद्योगपति श्रीमती श्रीमान सुशील कुमार जी अजमेरा। एक बार करता ध्वनि और मैं चाहूंगा हमारे तीनों मुख्य अतिथियों का जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और हमारे बीच में दुर्ग नगर निगम के महापौर धीरज जी बाकलीवाल उपस्थित हैं, मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा वे आए परम पूज मुनिवर के शीश में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे मुख्य संयोजक और दोनों स्वागताध्यक्ष रमेश जी निर्माणा भी आएंगे हमारे सम्मानी धीरज भी पूरे परिवार के साथ में। और सुनील जी बिलाला, योगेंद्र जी सेठी जो कि हमारे धर्म प्रणाम समिति के स्वागताध्यक्ष हैं, हमारे सम्मानी धीरज जी बाकलीवाल जो कि हमारे जैन समाज के ही हैं, दुर्ग नगर निगम में महापौर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं जोरदार। और आज इन्होंने परम पूज मुनिवर से निवेदन किया और गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त हुए इन्हें, और ये आज
गुणायतन के ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा धर्मेंद्र जी वे आए, हमारे सम्मानी धीरज जी बाकलीवाल उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मनोज जी बाकलीवाल, अनामिका जी आप भी आ जावे, हमारे सम्मानी धीरज जी बाकलीवाल महापौर दुर्ग उनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करने के लिए। मनोज जी, अनामिका जी, धर्मेंद्र जी आ जावे। और इसी क्रम में हमारे योगेश जी गोदा जो कि हमारे बाकलीवाल जी के रिश्तेदार हैं उनका सम्मान हमारे धर्मेंद्र जी संपन्न करेंगे। और सुरेंद्र प्रीति जैन गुवाहाटी श्रीमण संरक्षक वे आए, हमारे धीरज जी बाकलीवाल महापौर दुर्ग उन्हें प्रतीक चिन्ह देकर गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा उद्बोधन के लिए शंकर जी लालवानी सांसद इंदौर, हमारे इंदौर के यशस्वी सांसद, मैं आमंत्रित करता हूं मंच पे उद्बोधन के लिए। हाँ ललवानी जी बोलिए। आज गुरु पूर्णिमा है और ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य का अवसर है कि आज गुरु का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, तो गुरु को नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आप सभी को सादर जय जिनेन। ये हम सब के लिए इंदौर के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय गुरु जी के गुरुवर के पधारने पर जो लगातार यहाँ गर्मी पड़ रही थी तो आपके प्रवचन से भी शीतल मिला और प्रकृति ने भी शीतल यहाँ दिया, या आपके आने का प्रताप है इंदौर में। तो इंदौर की लाखों जनता की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। गुरुवर आप, मैं देख रहा था और टीवी पे भी देखता रहता हूँ, आप बहुत सारे प्रश्नों का हल भी करते हैं, तो मुझे भी एक मन में प्रश्न आया। मैंने क्या, मुझे बोलने के बजाय अगर प्रश्न करूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। बहुत बढ़िया। आपके प्रश्नों के माध्यम से समाज में बहुत सारे जो हमारे मन में विकल्प रहते हैं या व्यवधान रहते हैं या कुछ ऐसी बातें रहती है जो जीवन में आगे बढ़ने में हमें समस्या पैदा करती है, वो हल आप बताते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ जैन समाज ही नहीं, समग्र समाज आपके इन प्रश्नों का उत्तर सुने, उसके लिए हमें क्या करना है वो आप आज्ञा करें, ये मेरे मन में प्रश्न है। बहुत सुंदर। एक बार मैं चाहूँगा ललवानी जी का जोरदार अभिनंदन करें। ये एक सांसद तो है ही लेकिन बड़े सुहृदय व्यक्तित्व के धनी हैं। मेरे पास ये 3-4 बार आए हैं और जब भी ये मेरे पास आए मैंने इनकी इसी विनम्रता का आभास किया और ऐसा विरल लोगों में होता है। एक बार जोरदार अभिनंदन करें। आपने पूछा है कि पूरे समाज में समरसता लाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। ललवानी जी, मेरा तो एक ही ध्येय है, मानव मात्र में मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा, और हम उसी के लिए सतत प्रयत्नशील हैं और हम संतों का विचार भी यही है। हमको कहने के लिए आप लोग जैन संत जरूर कहते हैं, पर संत किसी जाति और संप्रदाय के लिए नहीं होता, संत संपूर्ण मानवता के लिए होता है और हमारा संदेश भी सबके लिए है और हम वही संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं पर एक बार फिर से जोरदार तालियों से शंकर जी ललवानी का स्वागत कर दें। और आपकी तालियां कम बज रही हैं, बजाइए ताली। आप उस शहर में हैं जिस शहर को सांसद ने पूरे विश्व में सबसे अधिक वोटों से जीत प्राप्त की थी, जोरदार ताली हो जाए के लिए। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा उद्बोधन के लिए, उसके पूर्व मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा श्रीमान थावरचंद जी गहलोत, पूर्व में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बीजेपी की सरकार में 2 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा में बीजेपी के नेता भी रहे हैं और वर्तमान में महामहिम राज्यपाल के रूप में कर्नाटक में। और इनके सम्मान के लिए गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान करने के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी काला,
महामंत्री अशोक जी और भरत जी मोदी ये आएंगे हमारे सम्मानी थावर संजीव गहलोत उनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान करेंगे और सम्मान के पश्चात मैं पूरी समाज की ओर से निवेदन करूंगा उद्बोधन के लिए। गुणायतन परिवार की ओर से हमारे यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी काला कोलकाता, महामंत्री हमारे अशोक जी और हमारे इंदौर शहर की पहचान श्रीमान भरत जी मोदी, हमारे सम्मानी थावरचंद जी गहलोत का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान कर रहे हैं। आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। प्रतीक चिन्ह हमारे क्या हुआ, तालियां तो बजाइए और आइए सम्मान के पश्चात हमारे भरत जी मोदी गुणायतन का प्रतीक चिन्ह देकर गुणायतन की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। और आइए सकल जैन समाज की ओर से उद्बोधन के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे थावरचंद जी गहलोत महामहिम राज्यपाल कर्नाटका। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज साहब, मंच पर विराजमान साधु मंडल, साध्वी मंडल को मैं सादर नमन करता हूं। और आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, गुरु के रूप में आपको स्वीकार करते हुए आपके आशीर्वाद की कामना करता हूं। गुरु का महत्व हम सब जानते हैं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। जीवन को सफल करना हो तो गुरु बनाना अच्छी बात है। हमारा देश धर्म संस्कृति का देश है, ऋषि मुनियों का देश है और देश की विश्व में जो पताका फैर रही है वो ऐसे ऋषि मुनियों साधु संतों के कारण ही है। अपना जीवन सफल करने के लिए गुरुओं का प्रवचन, गुरुओं का आशीर्वाद आवश्यक है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि बचपन से ही महाजनों के बीच में रहा हूँ और विशेषकर जैन समाज के संपर्क में रहा हूँ। जैन तीर्थंकरों का, जैन आचार्यों का, धर्मगुरुओं का, संतों का, ऋषि मुनियों का आशीर्वचन लेकर के जैन धर्म के सिद्धांत पर चलने की कोशिश करता हूँ। महावीर स्वामी जी ने कहा जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, बहुत सारे उद्देश्य उन्होंने बताया और उन उद्देश्यों को अपने मुखाग्र बिंदु से गुरुजन हमको आशीर्वचन के रूप में बहुत सारी बातें बताते हैं। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप गुरुजनों के आशीर्वचन सुनते हैं और सुनते समय तो गर्दन हिलाते हैं कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, परंतु अंगीकार कितने करते हैं इस पर विचार करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मविश्लेषण करना चाहिए। मैं शुजालपुर के एक बड़े कार्यक्रम में इसी प्रकार से दिगंबर संत पधारे हुए थे और उन्होंने प्रवचन के बाद 15-20 लोगों को एक एक करके माइक पर बुलाया। मैं भी स्टेज पर बैठा था, सांसद था उस समय, ये लगभग 25 साल पहले की बात है। उन्होंने किसी से कहा कोई दो चीज़ छोड़ो, किसी ने कहा ठीक है मेरे में ये बुराई है ये छोड़ता हूँ, किसी ने कहा हम दोनों भाइयों में जमीन का विवाद है मैं छोड़ता हूँ। बाद में मेरे को भी बुलाया और मेरे से कहा कि ये लो जी दो चीज़ छोड़ो। मैंने कहा साहब मैं तो पहले से ही जैन सिद्धांत पर चलता हूँ, जैन धर्म में पैदा नहीं हुआ, जन्म से जैनी नहीं हूँ पर कर्म से जैनी बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो शुद्ध सात्विक हूँ, किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं है। तो बोले नहीं कोई भी दो चीज़ छोड़ो। मैंने दो मिनट सोचा
मैंने कहा कि ठीक है, मैं सौंफ सुपारी कभी कभार खाता हूँ साल में दो चार बार, आज से वो भी नहीं खाऊंगा। 25 साल हो गए, आज तक मैंने सौंफ सुपारी भी नहीं खाई, किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं है, किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं। और मैं ये जानता हूँ कि ऋषि मुनि और साधु संतों का आशीर्वचन लेकर के उस पर चलने की कोशिश करना अपने जीवन को सफल करने के बराबर है। हमारा जीवन 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जीवन मिलता है और मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ जीवन माना जाता है, और ये सर्वश्रेष्ठ जीवन बना रहे इसके लिए ऐसे ऋषि मुनियों के आशीर्वाद की और उस पर चलने की कोशिश करना निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। जैन धर्म और जैन सिद्धांत पर चल करके आज जो दुनिया में विकृतियां पैदा हो रही, उग्रवाद पैदा हो रहा है, इसको समाप्त किया जा सकता है। और विश्व के लोगों की जो परिकल्पना है, सोच है कि विश्व में शांति होना चाहिए और विश्व का कल्याण होना चाहिए, ये विश्व शांति और विश्व कल्याण जैन धर्म के बताए हुए मार्ग पर चलने से प्राप्त हो सकती है। मैंने आदरणीय अशोक जी ने मेरे को पत्र भेज करके कहा कि आपको आना है, सुशील अजमेरा जी ने कहा कि आपको आना है, और भी 5-7 महानुभावों ने कहा कि आपको आना है। तो मैंने कहा देखो मेरी 9 बजे बेंगलोर जाने की फ्लाइट है, तो मैं ये सोच के आया कि 6:30 बजे आऊँगा और 7:15 बजे जाऊँगा। अब मैं तो चाहता हूँ कि प्रमाण सागर जी के आशीर्वचन हमको मिले, आप भी शायद ये सोच रहे होंगे कि उनका आशीर्वचन मिले। तो मैंने उनसे प्रार्थना की है कि मैं 7:15 तक और 7:20 तक यहाँ रुकने की स्थिति में हूँ। आप सब ने मेरे को यहाँ बुलाया, मेरी बात सुनी, मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, इस सब के लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ। जैन समाज में, जैन धर्म में ऋषि मुनि भोग त्याग तपस्या तप आराधना ये सब करते हैं, हम सब इतना शायद नहीं कर सकते, हम सब ऋषि मुनि और साधु संत भी नहीं बन सकते, हम सब प्रमाण सागर जी नहीं बन सकते, परंतु उन्होंने जो बात हमको आशीर्वचन के रूप में कही है उसमें से जो बात हमको अच्छी लगे उसको स्वीकार करो और जीवन में उसको अमल करने की कोशिश करो। ऐसा मत करो कि यहाँ प्रवचन सुना, हाँ हाँ बहुत अच्छी बात कही और बाहर जाके भूल जाओ, और नहीं तो सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करते हैं, फिर दिन भर कुछ ना कुछ गलतियाँ करते रहते हैं, शाम को फिर प्रार्थना करके माफ़ी मांगते हैं। ऐसा जीवन जीने की बजाय ऐसे गुरुजनों से आशीर्वचन लेकर के इनके बताए हुए मार्ग पर चलो, अपना जीवन भी सफल होगा, धर्म भी सशक्त होगा और दुनिया में देश के धर्म संस्कृति की पताका मजबूती के साथ लहराएगी। आज नहीं तो कल भारत फिर से विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनेगा। मैं इतना ही कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र, जय महावीर स्वामी जी, जय प्रमाण सागर जी। देखिए अभी आप महामहिम के उद्गार सुन रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये किसी प्रदेश के राज्यपाल के उद्गार नहीं है, ये गुरु चरणों में समर्पित एक भक्त का हृदय उद्गार, एक श्रावक जैसे उद्गार इनके हृदय में प्रकट हो रहे थे। गुरु पूर्णिमा के पावन दिन में आज आपका आना हुआ और आपके उद्गारों से ये बात स्पष्ट है कि आपने गुरुओं को अपने जीवन का आदर्श बना करके ही ऊंचाई तक अपने आप को पहुंचाया। बंधुओं, समय आप सबका हो गया है, मुझे भी अपने प्रवास स्थल पर जाना है, इसलिए यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।